दिस इज डॉक्टर मुख्तार, वेलकम टू माई चैनल कश्मीर वेटनरी हब। आज हम बात करते हैं कि जो आज आप चिकन की प्राइस देख रहे हो, इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। कॉस्ट ऑफ चिकन हैज़ आई थिंक टच्ड स्काइज नाउ। जो भी कॉस्ट ऑफ चिकन होता है, जो आप मार्केट से चिकन लाते हो, उसमें कॉस्ट डिपेंड करता है कि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट, कि एक फार्मर को एक 1.5 किलो चिकन या 2 किलो चिकन बनाने में कितना पैसा लगाए। इट डिपेंड्स मोस्टली ऑन टू थिंग्स। वन इज़ जो वो फार्मर DOC डालता है, मीन्स डे ओल्ड चिक्स, जो पहले दिन वो अपने फार्म में डालता है, उसका कॉस्ट क्या है करंटली, या उस टाइम उसका कॉस्ट कितना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये प्राइस डिटरमाइन करता है, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ द फीड। कॉस्ट ऑफ द फीड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॉस्ट ऑफ जो आप चिकन खाते हो। आजकल अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ फीड हैज़ इंक्रीज्ड आई थिंक डबल फ्रॉम 2018 to 2020 to more than double। आई थिंक जो हमें फीड का बैग 50 किलो का बैग 1400 या 1500 में मिलता था 2018 में, आज वही बैठी 3500 या 3700 में मिलता है। तो इसका मतलब है कि फीड कॉस्ट जब बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसी से हमारा चिकन कॉस्ट भी आजकल बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है। तो ये फीड कॉस्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है, जो इंग्रेडिएंट्स या जो चीज़ें हमें फीड बनाने में लगती है उसका कॉस्ट कितना है। अगर आप आजकल सोयाबीन की बात करते हो, तो सोयाबीन का कॉस्ट बहुत ही इंक्रीज़ हुआ है, मीन्स फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स इसका कॉस्ट बहुत इंक्रीज़ हुआ, तो नेचुरली जो फीड कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर सोयाबीन का कॉस्ट फीड लगभग 2 से 3 रुपये इंक्रीज़ होता है, तो उसका परवाह नहीं होती थी, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशनिस्ट था होता है, या जो भी फीड फार्मुलेट करता है, जो कहता है कि फीड में क्या क्या डालना है, वो नेचुरली वो अल्टरनेट उसका ढूंढ रहा था, मीन्स वो थोड़ा सोयाबीन कॉस्ट कम करता, सोयाबीन कॉन्टेंट कम करता था, उसके बदले में वो कोई और इंग्रेडिएंट यूज़ करता था। लेकिन आजकल जो सोयाबीन का कॉस्ट है वो बहुत ही इंक्रीज़ हुआ है, तो उस दैट कंडीशन हैज़ बिकम आउट ऑफ कंट्रोल टू द न्यूट्रिशनिस्ट्स आल्सो। तो अगर हम एक जो हम फीड फार्मुलेशन फॉर ए पोल्ट्री कर रहे हैं, तो अगर हम इसको कंसिडर करेंगे एक बाइसिकल की तरह, आई कंसिडर सोया एंड मीज एज टू व्हील्स ऑफ दिस बाइसिकल, क्योंकि इनकी क्वान्टिटीज। अगर हम सोयाबीन की बात करेंगे, करंटली वी आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ द सोयाबीन। अब शॉर्टेज क्यों हो गई, शॉर्टेज के दो इंपॉर्टेंट कारण है। फर्स्ट रीज़न, जो भी एक्सपोर्ट होता था फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज़, तो ये इस साल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो भी एक्सपोर्टर्स है उन्होंने पैसा फार्मर को ज़्यादा देना शुरू किया एज़ कम्पेयर टू, तो फार्मर कंपेल हुआ कि वो आउटसाइड एक्सपोर्टर को अपना जो भी उसका सोया प्रोड्यूस है वो उसको बेच दे, क्योंकि उसको ज़्यादा रेट मिलती है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारा एग्रीकल्चर है, जिसमें हमारा ये सोया या अदर ऑल अदर ग्रेन्स आते हैं, उसकी रेट ऑफ ग्रोथ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द पोल्ट्री। अगर हम पोल्ट्री की ग्रोथ रेट देखेंगे, इसकी ग्रोथ रेट अबाउट 10 to 15% है। वहाँ से एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट ओनली 2 to 3%। तो इन दोनों में पेस डिफरेंस है, मीन्स एग्रीकल्चर इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी स्लोअर रेट, लेकिन पोल्ट्री बहुत ही ज़्यादा रेट में आगे बढ़ रहा है। तो इससे जो भी हमारी डिमांड है पोल्ट्री में, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ द एग्रीकल्चर। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है। नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो फीड कॉस्ट है वो कम हो सकता है। फर्स्ट थिंग, या तो हमें पॉलिसी मेकर्स के पास जाना है कि वो फार्मर्स को इंसेंटिव्स दे रिगार्डिंग कि वो सोया को ग्रो करे, या वो इंग्रेडिएंट ग्रो करे जो हमारे फीड में इंक्लूड होते हैं। लेकिन दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें बहुत टाइम लगेगा पॉलिसी बनाने में, तो हमें इस तब तक तो हमारा इंडस्ट्री, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री, वो मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुकी होगी। तो सेकंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि हमें फीड फार्मुलेशन में देखना है कि वेयर वी कैन रिप्लेस दिस सोया बाय अदर इंग्रेडिएंट्स। लेकिन इसमें हमारी जो मैन्युफैक्चरर्स है, चाहे वो फीड बनाते हैं या जो हमारी पोल्ट्री सेक्टर में अभी काम कर रहे हैं, उनमें बहुत ही रिस्क है, क्योंकि अगर आपने सोया के बदले दूसरा और इंग्रेडिएंट यूज़ किया, मे बी जो भी उनका अच्छा खासा नाम भी चल रहा है मार्केट में, चाहे कोई भी फीड कंपनी है पोल्ट्री की आप ले लो, तो मे बी कि उससे ग्रोथ कम आ जाए या FCR उतना नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ही रिस्क है। तो इसीलिए जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो भी बिजनेसमैन है अभी हमारी इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बहुत ये रिस्क नहीं लेना चाहते। सेकंड थिंग इज़ वी हैव टू इंक्रीज़ आवर स्टैंडर्ड ऑफ R&D। जो भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, हमें बहुत सोया के बदले कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना है। ये हम तब कर पाएंगे जब हम दूसरे चीज़ों में, जिससे इंग्रेडिएंट्स में ऐसी रिसर्च करेंगे कि हम सोया को रिप्लेस करेंगे, या हम इसे कोई कुछ और इंग्रेडिएंट इसके बदले यूज़ करें, ताकि हमारा FCR भी मेंटेन रहे और हमारा जो पोल्ट्री की डिमांड, जो भी सोया की डिमांड है, नेचुरली कट डाउन हो। अदर थिंग विच वी कैन डू एज ए पोल्ट्री न्यूट्रिशनिस्ट और अदर थिंग इज द अमाइनो एसिड रिप्ले, मीन्स वी कैन एड डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, वी कैन एड डिफरेंट एंजाइम्स टू इनक्रीज द डाइजेशन और टू रिप्लेस द प्रोटीन सोर्स बाय द सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड अमाइनो एसिड टू कट डाउन द अमाउंट ऑफ आर क्वान्टिटी ऑफ द सोयाबीन इन द फीड फार्मुला।
वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग विच एडवर्स थिंग विच वी आर फेसिंग वेल देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द इंग्रीडियंट इज जब इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द इंग्रीडियंट्स इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम एडल्ट्रेशन भी इंक्रीज हो, क्योंकि जब आप एडल्टर करोगे कोई भी इंग्रीडियंट ऑफ सैंड डालोगे या कोई और चीज़ जो भी एडल्ट्रेशन की में यूज़ होता है तो जब कॉस्ट ऑफ इंग्रीडियंट यूज़ होता है तो एडल्ट्रेशन भी नेचुरली इंक्रीज होती है क्योंकि उनको पैसा ज़्यादा मिलता है एडल्ट्रेशन में अगर. Thank you very much for watching this video. This was a short video, otherwise it's a very huge topic which will take, I think, more than 2 hours to discuss the, I think, the supply chain of this soybean in India, mostly in India.